नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर के वार्ड नंबर 22 विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल से जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रही बिजनौर सदर से पूर्व विधायक रुचि वीरा जी की बेटी स्वाति वीरा की बिजनौर एक्सप्रेस से खास बातचीत। दरअसल बिजनौर में पंचायत सदस्य की यह सीट पूर्व विधायक रुचि वीरा की इकलौती पुत्री स्वाति वीरा और शाहनवाज राणा के आमने सामने आने से यह सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। बिजनौर एक्सप्रेस से बात करते हुए स्वाति वीरा ने कहा कि हमारा परिवार जिस तरह से कई वर्षों से लगातार क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहा है, मेरा भी यही प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे सभी वर्गों से भरपूर समर्थन मिल रहा है और अपनी जीत निश्चित बताई। बिजनौर से अलता वजह की एक खास रिपोर्ट। मेरे पति भी इस क्षेत्र से मेंबर रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं, स्वाति वीरा क्यों अध्यक्ष नहीं बन सकती। चलिए, शुभकामनाएं। लेकिन रुचि वीरा जी, हम ये पूछना चाहते हैं किस मुद्दे पर आप लोगों से वोट मांग रही हैं? अपनी आपका जी बेबी बेबी जी कौन से गांव में रहती हैं आप? ग्राम खेड़की। जहाँ ये गांव में हम खड़े हैं, खेड़ी गांव है ये? खेड़की गांव का। खेड़की, अच्छा खेड़की गांव है। यहाँ से कितने लोग प्रत्याशी लड़ रहे हैं यहाँ पे? तीन जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव, कितने लोग लड़ रहे हैं? तीन लोग। अच्छा, मुखिया आप किसे मान रही हैं जो जीत रही हैं? जी स्वाति, स्वाति वीरा, रुचि वीरा जी की। जी आपके अनुसार? हाँ, हमारे अनुसार स्वाति वीरा जी की जो बेटी है जी, रुचि वीरा जी की बेटी जी, है स्वाति, उनकी। जागरा जी, आप यहाँ पर प्रधान रह चुकी हैं? प्रधान है मौजूदा 10 साल प्रधान है। जागरा जी, यहाँ कौन सा गाँव लगता है आपका? ये काजी फरीदपुर, ये काजी। और ये कौन सा गांव है? खेड़ की। यहाँ से जो पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोग लड़ रहे हैं? जी तीन। तीन लड़ रहे हैं, तो इसमें मुख्य मजबूत स्थिति में कौन है आपके अनुसार? एक तो हम ही खड़े हैं। प्रधान जी, देखिए यहाँ से जो पंचायत सदस्य लड़ रहे हैं जी, ये तो है मैडम रुचि वीरा। अच्छा, रुचि वीरा जी आपके अनुसार वो मजबूत स्थिति में है जी। चलिए, और दूसरे प्रत्याशी कौन है? जी राणा। अच्छा, चलिए। मम्मी की पूरी सपोर्ट है आपको, पूरे गांव की और पूरे क्षेत्र की लग रहा है सपोर्ट है शायद आपको। आपका व्यवहार भी कुशल बताया जा रहा है गांव के अंदर। लेकिन अगर आप जीतती हैं तो कुछ लोगों का कहना ये भी कि जीत के बाद प्रत्याशी दिखाई नहीं देता है, इसका क्या आप वो करेंगी, खंडन करेंगी बात का? देखिए, हमारा परिवार को लोगों ने परखा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 100 साल से हम यहीं पर रहते हैं, यहीं लोगों की खिदमत करते हैं, तो आगे भी यही कायम रहेगा। पहले देखा हुआ है सबने, कोई नए तो है नहीं हम, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी देखा हुआ है कि क्या वो यहाँ लोगों के काम आते हैं, क्या वो इस क्षेत्र में रहते हैं। तो जिसका देखा हुआ है और जो इसी क्षेत्र का है और पहले से यहीं पर है, हमेशा रहा है, तो उसी के तरीके से हम, मैं भी यहीं पर ही रहूंगी और सबके खिदमत में काम आऊंगी। चलिए, कोविड के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोविड के लिए जरूरी है कि सब एहतियात बरतें और दूरी बनाएं, मास्क पहने और सैनिटाइजर का यूज करें, कम से कम बाहर जाने की कोशिश करें, जरूरत है तो जाए और वरना घर पे ही रहे। आपकी सभाओं में आपकी प्रचार जो आपका है पूरा वो किया जा रहा है, इसका पालन? बिल्कुल पालन कर रहे हैं। धन्यवाद। से बैठ के भी या पैदल भी मेरे घर तक पहुंच सकता है और अपनी समस्या को रख सकता है। जो मेरे सामने कैंडिडेट है वो तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं और वो हर साल, हर चुनाव में 5 साल में यहाँ आ जाते हैं। ठीक 15 दिन वो रहते हैं और जिस दिन वोट डल जाते हैं उसी दिन वो अपने घर को वापस चले जाते हैं। उनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम को बांटने का है, मेरा मुद्दा जोड़ करने का है, आपस में भाईचारे को बनाए रखने का है। आपका ये भी मत है कि आप घर, ये घर का चुनाव है आपका, एक परिवार है? हाँ, बिल्कुल, इलाके का मामला है, इलाके की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। हमारा चुनाव जो है वो ये बिजनौर वर्सेस बाहर ही है, हमारा चुनाव कुछ और जाति धर्म में बंटा हुआ चुनाव नहीं है। मुझे इस क्षेत्र में रहने वाले जो भी 37,000 मतदाता है वो मेरी बेटी को हर बिरादरी का, हर समाज का वोट मिल रहा है और भारी तादाद में मिल रहा है। वो इस बार यहाँ से मुँह की खा के जाएंगे, वो हर चुनाव में 15 दिन के लिए आते हैं, फिर यहाँ के लोगों के न वो फोन उठाते हैं, न किसी के मैयत होती है, मौत होती है तो आते हैं, न किसी की ब्याह शादी होती है तब आते हैं। तो ये चुनाव जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये चुनाव क्षेत्र का और बाहर का आमने सामने का चुनाव है। इलाके के लोगों का पर मेरा हक है और मेरा उन लोगों का मुझ पे हक है और मेरा अपने क्षेत्र के लोगों पर हक है। और मेरे परिवार ने 100 साल से इस इलाके की खिदमत करी है, दुख सुख में काम आए हैं, कभी किसी की लूट नहीं करी, किसी के कब्जा नहीं करा, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करा। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी को मेरे परिवार की अच्छाई, मेरी अच्छाई का फायदा मिलेगा
और वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और बाहर वालों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे यहाँ के क्षेत्र के लोग। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।